30 दिसंबर को भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। तब से ही फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। पिछले दिनों उर्वशी ने सोशल मीडिया पर कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की फोटो शेयर की थी, जिसके बाद कुछ यूजर्स कयास लगा रहे थे कि वो ऋषभ पंत से मिलने गई थी। वहीं अब उर्वशी की माँ मीरा रौतेला ने भी इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल की फोटो शेयर की है, जहाँ ऋषभ एडमिट है। मीरा की फोटो सामने आने के बाद से यूजर्स मान रहे हैं कि उर्वशी की माँ भी पंत से मिलने पहुंची हैं। इस बात के लिए जहाँ कई लोग उर्वशी की माँ का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके इस रवैये के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। 9 जनवरी को मीरा ने सोशल मीडिया पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल की फोटो शेयर की। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि सब कुछ ठीक है उर्वशी, तुम परेशान मत हो। इस पोस्ट को देखकर यूजर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ऋषभ के एक्सीडेंट से उर्वशी परेशान है या फिर मीरा का ये पोस्ट पब्लिसिटी स्टंट है। मीरा की इस पोस्ट से कई यूजर्स उन पर भड़क गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि मीरा ने कई लोगों के कमेंट में जवाब भी दिए हैं। एक यूजर ने लिखा कि व्हाट्सएप या कॉल करके भी ये बताया जा सकता है, इस पर मीरा ने कहा कि बुद्धू तो फिर तुम्हें कैसे पता चलता। दूसरे यूजर ने लिखा कि एक और कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट, क्या ड्रामा लगाया हुआ है आप लोगों ने। इस पर मीरा ने कहा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स उर्वशी अभी विशाखापट्टनम में है। एक यूजर ने लिखा कि क्या मजाक बना रखा है, मीरा बोली मजाक तो वो अपना बना रहे हैं। मीरा के इस पोस्ट पर कमेंट्स की भरमार है। 4 जनवरी को ऋषभ पंत को देहरादून से एयरलिफ्ट करके मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तब अगले दिन उर्वशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उस हॉस्पिटल की फोटो पोस्ट की थी जहां ऋषभ पंत एडमिट है। फोटो सामने आने के बाद उर्वशी को ट्रोल किया जाने लगा। कई लोगों का मानना था कि उर्वशी ऋषभ का नाम इस्तेमाल करके फेम बनाना चाहती हैं।